गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शहीद आजम भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। भगत सिंह का जीवन परिचय, प्रारंभिक जीवन तथा परिवार। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उसके पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा माता का नाम श्रीमती विद्यावती कौर था। मूल रूप से संधु गोत्र का ये जाट परिवार गांव खरकड़ कला जिला नवा शहर पंजाब का निवासी था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह अपने समय के राजनीतिज्ञ, सामाजिक तथा धार्मिक पक्ष से सचेत व्यक्ति थे तथा देश के जालंधर के प्रसिद्ध वकील पेशे से रायजादा भगत राम के मुंशी थे तथा स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव में आकर आर्य समाजी बन गए थे। उनके 3 पुत्र थे, किशन सिंह, अजीत सिंह तथा सवरण सिंह। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे। भगत सिंह के जन्म के समय अजीत सिंह को लाला लाजपत राय के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के आरोप में अंग्रेजी सरकार ने मांडले जेल में भेजकर देश निकाला दिया था। जनता के दबाव के कारण 1907 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। भगत सिंह के पिता किशन सिंह को भी अंग्रेजी सरकार ने नेपाल से गिरफ्तार कर लिया था, परंतु कुछ समय के पश्चात उन्हें भी जेल से छोड़ दिया गया। चाचा सवरण सिंह भी कुछ समय पहले ही जमानत पर रिहा होकर आए थे। इस तरह भगत सिंह का परिवार क्रांतिकारियों का परिवार था। भगत सिंह के जन्म के समय ही उसके पिता तथा चाचा ब्रिटिश जेल से रिहा होकर आए थे, इसलिए दादी जयकौर ने भगत सिंह को भागों वाला नाम दिया। भगत सिंह के क्रांतिकारी बनने में उसके परिवार का योगदान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रारंभिक शिक्षा, भगत सिंह को प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो अपने गांव के स्कूल से प्राप्त हुई। 4 वर्ष की छोटी आयु में उन्होंने स्कूल जाना आरंभ कर दिया था। पढ़ाई में उनकी आरंभ से ही बहुत रुचि थी। उनके घर में देश की स्थिति के संबंध में अनेक पुस्तकें थी जिनका अध्ययन करने का उन्हें अवसर मिला। उनके स्कूली दिनों में ही उनके चाचा अजीत सिंह का बालक भगत सिंह पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अपने चाचा के प्रभाव के अधीन आकर ही वे अपने मन में सरदार करतार सिंह साराभाई के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। 1916 ईस्वी में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के पश्चात डीएवी स्कूल लाहौर में दाखिल हो गए। सरकारी स्कूल छोड़कर डीएवी स्कूल में प्रवेश लेने का कारण महात्मा गांधी का बहिष्कार का जो आंदोलन था, आह्वान था, उसका कारण था। अपने शिक्षा काल में गांधी जी के ऐसे योग आंदोलन ने उनके हृदय में विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना को जागृत किया। ऐसे योग आंदोलन के कारण जब हजारों विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो भगत सिंह ने भी अन्य विद्यार्थियों की तरह ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उस समय भगत सिंह 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय कॉलेज लाहौर में प्रवेश लिया और इस कॉलेज में राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले विषय पढ़ाए जाते थे। इसी कॉलेज से उन्होंने लिखने का शौक पैदा किया तथा इस प्रवृत्ति के कारण उन्होंने अनेकों लेख विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने एफए की परीक्षा पास की और उसके बाद असहयोग आंदोलन जो 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था, 1921 में अधिक से अधिक भारतीयों को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सरकार के साथ किसी भी क्षेत्र में सहयोग न करना।
सभी भारतीय सरकारी नौकरियां छोड़ दें, विद्यार्थी सरकारी स्कूल छोड़ दें, वकील वकालत करने छोड़ दें। इन सब का एकमात्र उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना था। भगत सिंह इस समय 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे और गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अनेक साथियों के साथ अपना स्कूल छोड़ दिया। युवाओं के एक टोली बनाकर विदेशी कपड़ों को जलाना भी आरंभ कर दिया। वे सारा दिन विदेशी कपड़ों को एकत्रित करते तथा सायंकाल एक जुलूस के रूप में उन्हें उन वस्त्रों को फूंकने का काम करते। राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश। ऐसे योग आंदोलन में भाग लेने के कारण भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। भगत सिंह ये महसूस करते थे कि सरकारी शिक्षा प्रणाली तो उन्हें गुलाम बनाने तथा ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ता प्रदान करने वाली है। इस शिक्षा प्रणाली में सुधार की बहुत आवश्यकता है, इसलिए ऐसे स्कूल व कॉलेज खोले जाने चाहिए जो भारतीय विद्यार्थियों को भविष्य के राजनीतिक तथा सामाजिक दायित्व निभाने में समर्थ बनाए तथा स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान देश के। भारत में ऐसे अनेक शिक्षण संस्थाएँ खोले भी गए। भगत सिंह ने FA की पढ़ाई इन्हीं राष्ट्रीय विद्यालयों में प्राप्त की। अपनी उच्च शिक्षा के लिए भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। इसी कॉलेज में उनका संपर्क भगवती चरण बोरा, यशपाल तथा सुखदेव जैसे देशभक्तों से हुआ। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रेरणा लेकर प्रोफेसर दयानंद विद्यालंकार भी उनके साथ थे। क्रांतिकारियों से संपर्क। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। 1922 में चोरा चोरी के स्थान पर एक हिंसक भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे चौकी के अंदर सभी सिपाही जिंदा जल गए। जब गांधी जी को इस अहिंसक घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने अंग्रेजी नेताओं से परामर्श करने आंदोलन को एकदम बंद करने की घोषणा कर दी। इससे कांग्रेसी नेता तो नाराज हुए ही, देश के युवकों का भी गांधी जी से विश्वास उठ गया तथा उन्होंने अपने लिए नई राहें चुनने का निश्चय किया। इसी दौरान भगत सिंह की मुलाकात कानपुर के क्रांतिकारियों से हुई। कानपुर में स्थित यूनाइटेड ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसका केंद्र संयुक्त प्रांत था, जिस पार्टी ने पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। पंजाब में आंदोलन का आरंभ सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। सन्याल को भगत सिंह के परिवार से के संबंध में जानकारी थी और आंदोलन को एक बड़ा रूप देने का प्रयत्न भी किया जा रहा था। इस तरह नेशनल कॉलेज में पढ़ते हुए भगत सिंह का संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। विवाह की तैयारी। भारत में उस समय बाल विवाह की प्रथा थी। छोटी उम्र में ही लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। भगत सिंह अभी BA की पढ़ाई कर रहे थे कि उनके घर वालों ने उसके विवाह की बात आरंभ कर दी। भगत सिंह की उम्र उस समय 15 साल के लगभग थी। भगत सिंह की दादी ने विशेष रूप से भगत सिंह की शादी के लिए दबाव डालना आरम्भ कर दिया। भगत सिंह की